Hello friends, welcome to Zeev's Kitchen, instant, quick and simple recipes. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और डेलिशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो भिंडी की काफ़ी सारी रेसिपीज़ होते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला आलू भिंडी ढाबा स्टाइल। बच्चों को ये बहुत ही पसंद है। भिंडी और आलू एक साथ बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन है। ये दाल चावल और रोटी या पूरी ये सबके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए हम इसकी इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। मसाला भिंडी आलू बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, लेडी फिंगर 1/2 kg, पोटैटोज 400 ग्राम्स, टोमेटोज 2, अनियन 300 ग्राम, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, करियंडर पाउडर 1 टीस्पून, ड्राई टैमरिंड 10 ग्राम्स, मस्टर्ड ऑयल 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, बे लीफ 1, फेनुग्रीक सीड्स 1/2 टीस्पून, एसाफेटिडा पाउडर 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम भिंडी को अच्छे से धो लेंगे और टॉवल से इसे अच्छे से सुखा लेंगे। अब हम भिंडी के ऊपर और नीचे भाग को काट लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में हम सारे भिंडियों को काट लेंगे ऐसे। अब हम आलू छीलेंगे और आलू को भी हम बीज से काट के और ऐसे छोटे छोटे शेप्स में काट लेंगे ताकि हमारी आलू अच्छे से गल जाए। अब आप एक मिक्सर जार लें, उसमें आप डालें प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून। हमारी पेस्ट बनके तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। हमारी पेस्ट बनके तैयार है, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम एक छोटे से बाउल में गर्म पानी लेंगे और हम हमारी जो इमली है उसे 5 मिनट तक पानी में रखेंगे ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट बाद आप इसके सारे गूदे को निकाल लें और हमारी इमली पानी रेडी है। आप एक पैन लें, उसमें तेल डालें और भिंडियों को अच्छे से आप इसमें डाल दें। आप इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें और आप एक बाउल लें, उसमें आलू डालें, उसमें 1/2 टीस्पून नमक डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और हम इसे भिंडी की तरह आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आप इसे ढक दें। आप इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें और हमारी भिंडी और आलू फ्राई होकर तैयार है। एक पैन में आप तेल डालें और अब इसमें हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून मेथी दाना। आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग पाउडर। इसमें डालें आप मसाला जो हमने पीसा था और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसे हमें तब तक भूनना है तब तक इसकी तेल अच्छे से ऊपर ना आ जाए। इसके बाद आप डालेंगे इमली पानी, 1/2 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार। आप इसे ढक के 8 से 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम में पकाएं। हमारा मसाला ऑलमोस्ट बनके तैयार है। आप इसमें आलू और भिंडी डालें और आप इसे ढक कर 5 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएं। हमारी यम्मी लुकिंग मसाला भिंडी आलू बनके तैयार है। आप इसे दाल चावल, रोटी, सब्जी या फिर पूरी के साथ आप एंजॉय करें। आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें टू स्टे अपडेटेड। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।